मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जरूरत चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन पटना जो बिहार सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अंग है के द्वारा वर्ष 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई थी। आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी ₹1,050 ली गई थी। लगभग 3 लाख लोगों ने आवेदन किया। 2 चरणों सीबीटी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में परीक्षा ली गई। हम लोगों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन बेल्ट्रॉन भवन का घेराव करने के बाद वर्ष 2020 के मार्च में सूचीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। अंतिम रूप से कुल 7311 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया गया, परंतु ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू करने प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु वर्ष 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार बेल्ट्रॉन प्रशासन से सवाल करने घेराव करने के दौरान कई बार हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई। वर्ष 2019 से ही झूठा आश्वासन मिलता रहा है। वर्तमान समय में बेल्ट्रॉन के पास बिहार के विभिन्न विभागों कार्यालयों से लगभग 2000 अधियाचना आया हुआ है, परंतु ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। बेल्ट्रॉन को प्राप्त अधियाचना कुछ इस प्रकार है। LRC राजस्व विभाग 1170, PHED लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग 208, नगर विकास 276, DEO और 40 प्रोग्रामर। वैशाली जिला PRD 27, मधुबन जिला PRD 11, मोतिहारी जिला PRD 12, मुजफ्फरपुर जिला PRD 3, औरंगाबाद जिला PRD 7, सारण सामाजिक सुरक्षा कोषांग 4, बांका जिला PRD 31 और PM किसान सम्मान निधि योजना का संचालन हेतु 38, खगड़िया जिला PRD 6, अरवल जिला PRD 2, नालंदा समाज कल्याण 3, सारण PRD 2, वेस्ट चंपारण 8, PRD कैमूर 6, टोटल 1170, 208, 276, 27, 11, 12, 3 प्लस 7 प्लस 4, 31, 38, 6, 2, 5, 8, 6, कुल मिलाकर 1814 उपरोक्त अधियाचना के बेल्ट्रॉन को प्राप्त होने के बावजूद पैनल में 3 वर्ष से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं करने विलंब करने के खिलाफ दिनांक 13/6/2022 को बेल्ट्रॉन भवन का घेराव किया जाना है। आपसे सादर अनुरोध है कि हम बेरोजगारों के आवास को बुलंद करने हेतु दिनांक 13 जून 2022 को 10 बजे दिन में बेल्ट्रॉन भवन आने की कृपा की जाए।